कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया। भारत की इस उपलब्धि को संयुक्त राष्ट्र ने भी सराहा, लेकिन उपलब्धियों की माला में ये पड़ाव तो सिर्फ एक मोती की तरह था। 1947 से लेकर आज तक भारत ने कई ही ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिनकी गिनती भी शायद नामुमकिन है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आइए आज भारत की कुछ ऐसी ही उपलब्धियों की बात करते हैं जिनकी गिनती आज 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के बाद से लेकर 75 साल पूरे होने पर ज़रूरी हो जाती है। चलिए आज़ादी के इस किस्से की शुरुआत करते हैं। भारत वह भूमि है जहाँ मिलते हैं तीन सागर, जहाँ जन्मे कई धर्म और संस्कृतियाँ, वह भूमि जो सात धर्मों का संगम है। 100 से ज्यादा भाषाएं और 19,000 से ज्यादा बोलियां इस देश में बोली जाती हैं। इस देश की आज़ादी की उम्र में कितनी कामयाबियां, कितने मकाम हैं जिन्हें आज हमें एक बार पलटकर जरूर देखना चाहिए। आइए एक नज़र डालते हैं आज़ाद भारत की अब तक की उड़ानों पर। वोट देने का अधिकार। जिस दिन भारत में आज़ादी का सूरज उगा उसी दिन भारत से हर युवा को मत का अधिकार दिया गया था। अगर बात विश्व की महाशक्ति अमेरिका की करें तो वहाँ हर नागरिक को वोट देने का अधिकार आज़ादी के 150 साल बाद मिला था। रेल नेटवर्क का राष्ट्रीयकरण। 1951 में रेल नेटवर्क का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसे शुरुआत में 3 जोन में बांटा गया था। भारतीय रेलवे इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल नेटवर्क, 7,000 से ज्यादा स्टेशन और 13,00,000 से ज्यादा कर्मचारी इसमें काम करते हैं। देश को आजादी मिलने के बाद 1951 में भारत ने पहले एशियाई खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर। 4 अगस्त 1956 को भारत ने एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा बनाया। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई पहली फिल्म। महबूब खान के निर्देशन में बनी फिल्म मदर इंडिया ऐसी पहली भारतीय फिल्म बनी जिसे 1958 के ऑस्कर्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। हरित क्रांति। 1960 के दशक में भारत में आई हरित क्रांति की वजह से अनाज की पैदावार में क्रांतिकारी बढ़ोतरी हुई। गेहूं और दालों की अधिक पैदावार के लिए खास किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया गया और इसका नतीजा भी जल दिखाई दिया। श्वेत क्रांति। 1970 में भारत में श्वेत क्रांति हुई जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना गया। वर्गीज कुरियन की अगुवाई में दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। इसने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल दिया। 1971 युद्ध और बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम। पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों ने पाकिस्तान से आजादी के लिए जंग लड़ी और 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में इसे हासिल कर लिया। भारत की इस जंग में अहम भूमिका रही। पोखरण वन। साल 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था। इसके साथ ही भारत 5 परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल हो गया। पहला भारतीय सैटेलाइट। 1975 में भारत ने पहले स्पेस सैटेलाइट डिजाइन किया जिसे आर्यभट्ट नाम दिया गया। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता। 1983 में भारत ने कपिल देव की कप्तानी में वेस्ट इंडीज को 43 रन से हराकर क्रिकेट विश्व कप जीत लिया। 1984 में मानव को अंतरिक्ष में भेजा। 1984 में भारत ने अपने पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा। यह सोवियत संघ के साथ मिलकर पूरा किया गया एक जॉइंट मिशन था। भारत ने की क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी। 1987 क्रिकेट विश्व कप भारत और पाकिस्तान में आयोजित किया गया था। इंग्लैंड के बाहर आयोजित होने वाला यह पहला टूर्नामेंट था। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की। 1991 अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण। भारतीय अर्थव्यवस्था ने विदेशी निवेशकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। पोखरण 2। भारत ने मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु बम धमाके किए। इन परीक्षणों ने भारत को एक पूर्ण परमाणु राष्ट्र बना दिया। ऑपरेशन शक्ति कोड नेम के तहत ये धमाके किए गए। 1999 करगिल युद्ध।
एलओसी के अंदर पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। जुलाई में टाइगर हिल पर भारत की जीत के साथ युद्ध समाप्त हो गया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 2001 में वाजपेयी सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की। ये परियोजना भारत में चार प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना थी। इसने भारत के हाईवे का चेहरा बदल कर रख दिया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संसद ने आरटीआई अधिनियम को पास किया। इस एक्ट में सरकारी विभागों को जांच के दायरे में लाया गया और लोगों को सरकारी अधिकारियों से किसी भी तरह की जानकारी जुटाने में मदद दी गई। मनरेगा 2005 में ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी के मकसद के साथ यह एक्ट बनाया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास अधिनियम दुनिया का सबसे बड़ा कार्य गारंटी कार्यक्रम बना। चंद्रयान 1 भारत ने चंद्रमा को एक्सप्लोर के लिए अक्टूबर 2008 में चंद्रयान मिशन की शुरुआत की। चंद्रयान की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उसने चांद की मिट्टी में पानी के कण का पता लगाया। ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग 2008 ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वो ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। शिक्षा का अधिकार कानून संसद में 2009 में आरटी विधेयक पास हुआ। इससे शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार बन गया और समाज के अलग अलग वर्गों के बीच की खाई खत्म हो गई। इसके लिए सभी प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने की शुरुआत की गई। पहली विदेशी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च हुई 26 जुलाई 2009 को भारत ने INS अरिहंत लॉन्च किया। ये देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी थी जो 3500 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस थी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 भारत ने दिल्ली में 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की, लेकिन इसकी चर्चा भ्रष्टाचार की वजह से भी हुई। खेलों के इतिहास में पहली बार भारत ने इन गेम्स में 100 से ज्यादा पदक जीते और ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने जीता दूसरा क्रिकेट विश्व कप 2 अप्रैल 2011 को भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में श्रीलंका को हराकर दूसरी बार क्रिकेट विश्व कप जीता। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जिसको राइट टू फूड एक्ट भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारत के 1 अरब 20 करोड़ लोगों में से लगभग 2/3 को रियायती दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। 12 सितंबर 2013 को कानून पर हस्ताक्षर किए गए थे। मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को इसरो ने मंगल ग्रह पर अभियान के लिए मार्स ऑर्बिटर मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारत इससे मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना और अपने पहले प्रयास में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। भारत ने लॉन्च किया अपना GPS सिस्टम। भारत ने अमेरिका के GPS जैसा ही स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया। इसका नाम नेविक रखा गया, यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। चंद्रयान 2 चंद्रमा पर अपना पहला स्पेसक्राफ्ट उतारने की कोशिश पे भारत ने शक्तिशाली GSLV Mark 3 रॉकेट के जरिए चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। 22 जुलाई 2019 को दोपहर 2:43 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। भारत की उपलब्धियों की कहानी अथाह है। आज देश दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। यहाँ दुनिया का 23% दूध अकेले प्रोड्यूस होता है। इसके साथ ही भारत गन्ने के मामले में दूसरा, कपास का पहला प्रोड्यूसर भी है। भारत गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर देश है। 1994 में भारत में दुनिया के 60% पोलियो के मामले थे, लेकिन दशकों के अंदर भारत को 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से पोलियो मुक्ति का प्रमाण पत्र मिल गया। पोलियो को रोकने के लिए इस मुहिम ने भारत में जीवन प्रत्याशा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 68.89 वर्ष कर दिया। ये थे भारत के सफरनामे में उसकी कामयाबी के कुछ किस्से। आज भारत जब आसमां को छू रहा है, हमने उसकी कुछ कामयाबी को आपको सुनाया है। आज़ाद भारत के सफरनामे की ये कहानी आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।